भारती बहन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अनु भड़ाना आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आपकी अनु में। तो ठीक है, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं करूँगी आप लोगों के साथ में मॉर्निंग रूटीन शेयर। ठीक है, और अब मैं अपनी किचन में आ गई हूँ। तो मैं यहाँ किचन साफ कर रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा काम किया था तो किचन गंदी हो रही थी, तो मैं इसको साफ़ कर दूंगी। इसकी वॉल भी गंदी हो रही थी, थोड़ी सी हो ही जाती है जहाँ पे हमारा गैस रखा होता है ना, तो वहाँ मतलब हम कुछ सब्जी बनाते हैं या कोई भी ऑयल की छीट जाती हैं, सब्जी की छीट जाती हैं तो गंदा हो जाता है, तो उसको तो हमें बार बार साफ़ करना ही पड़ता है क्योंकि किचन गंदी रहती है तो फिर खाना बनाने का मन भी नहीं करता। तो मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ अपना, और यहाँ पर इधर साइड में मेरा लंच बॉक्स रखा हुआ है, ये अंदर नहीं रखा था मैंने, तो ये मैं पूरा साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मेरा बेड भी सेट हो रखा है ये, और यहाँ से मेरे किचन का रास्ता जाता है ये सीधा उधर, किचन में पहुँच जाते हैं यहाँ से हम। किचन के पास ही फ्रिज रखा हुआ है मेरा, और ये देखो बर्तन मेरे सारे साफ़ हो रखे हैं यहाँ पे। और अब बस यहाँ पे चाय बन रही है मेरी, ये देखिए। और ये जो बॉल रखा हुआ है इसमें मैंने दही जमाई थी रात, तो ये मैं देख रही थी कैसी जमी हुई है, तो जैसे ही मैंने खोल के देखा है तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी जमी हुई है। चलिए देखते हैं फिर स्पून लेके, ये देखो अच्छी जमी है ना, ये देखिए ऐसे पता चल रहा है बिल्कुल अच्छी जमी हुई है ये दही, एकदम फर्स्ट क्लास। तो देखिए दही तो मेरी बहुत अच्छी जम गई है, और अब मैं क्या करूँगी, इसका ढक्कन बंद कर दूँगी और इसको मैं उठा के रख दूँगी, बाद में खाने के काम आएगी। तो इसको मैं उठा के रख रही हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी चाय डाल ली है मैंने, अब मैं चाय पीने बैठ गई। आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, कर लीजिए ब्रेकफास्ट। आप लोग मेरा कप देखकर बोल रहे होंगे कि कितने बड़े कप में चाय पी दी, कितनी ज़्यादा चाय, लेकिन नहीं ये बड़ा कप है बट चाय थोड़ी सी है। तो चलिए चाय भी हमने पी ली है जल्दी जल्दी, और अब हम अपने और काम ख़त्म कर रहे हैं। ये इसमें पोहा रखा था पिन्नी में, मार्केट से आया हुआ था, तो ये पिन्नी में रखा हुआ था, मैं इसको भी खोल के रख देती हूँ, इसमें डब्बे में कर दूँगी, एक काम ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखो डब्बी, ये मेरे साथ साथ खड़ा रहेगा, यहीं देखता रहेगा मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। तो आप लोग अपनी बेस्ट विशेज मेरे साथ में बनाए रखिए, ठीक है, और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, ओके। तो चलिए फिर अब मैं चलती हूँ, पूजा मेरी हो गई है, ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो चुका है, बस किचन का काम रह रहा है। किचन में मेरी सब्जी बन गई है, आटा मैंने भिगो दिया है, बस खाना बनाना बाकी है। तो ठीक है फिर मैं चलती हूँ आपको लेकर के अपनी किचन में, ओके, चलिए मेरे साथ साथ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बाहर ड्राइंग रूम में, और दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। और ये कारपेट मैंने फोल्ड किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पोछा लगाया था तो ये फिर मतलब फैला हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ से लाइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, मेरे फेस पे पूरी लाइट आ रही है, बिल्कुल अजीब लग रहा है, नहीं ये देखिए वाइट वाइट लग रहा है, तो यहाँ पर ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको ये देखिए कारपेट मैंने फोल्ड किया हुआ है, पोछा लगा था तो ठीक है फिर हम बाद में करते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने बर्तन भी अपने उठा के रख दिए, कप रखे हुए वो मैं उठा के रख दूंगी, और ये बकेट रखी हुई है इसमें पानी है क्योंकि हमारा फिल्टर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है और फिल्टर की सर्विस होनी बाकी है। और ये देखिए मेरा प्लेटन का आटा रखा हुआ है, ये मैंने आटा भिगो के रखा है अभी अभी जस्ट नाउ। और ये देखिए मेरा गैस स्टोव भी बिल्कुल साफ है, और ये थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी, और आज मैंने पता है क्या बनाया है, आज मैंने बनाई है कटहल की सब्जी, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि मैं पहले भी कर चुकी हूँ, ये देखिए
और आप लोग मेज से बोलेंगे तो मैं आपके साथ में फिर से कर दूंगी शेयर कटहल की रेसिपी, ठीक है? तो ठीक है, फिर अब हम करते हैं अपने और काम, और हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए तो इतने वो नहा के आते हैं, इतने में अपने दूसरे काम। और ये देखिए यहाँ पर मैंने पुलाव बनाया है, क्योंकि बेटे का मन था पुलाव खाने का तो मैंने उसके लिए पुलाव बनाया ही। तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था और प्याज लहसुन अदरक डाल दिए थे, सारी सब्जी डाल दिए कट करके। और ये देखिए ये मैंने धो करके राइस भी डाल दिए इसके अंदर। इनको मैं चला दूँगी, आपस में मिक्स कर दूँगी, अच्छी तरह भून लूँगी इनको। जो चावल और वेजिटेबल है ना इसके अंदर, गाजर मटर मैंने डाली हुई थी मतलब कट करके, गोभी। और अब मैं इसमें बेसिक मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि मतलब हल्दी हो गई, गरम मसाला हो गया थोड़ा सा, धनिया पाउडर, नमक, ये चीज़ें डाल दूँगी मैं इसमें। और डाल के अच्छे से चला के इसको, फिर मैं इसका जो है पानी डाल के इसमें और कुकर को बंद कर दूँगी। एक सीटी आने पर गैस बंद कर देंगे हम, और गैस बंद करने के बाद कुकर खोल के देख लिया है मैंने, ये पुलाव मेरा बन चुका है। यहाँ पे दही रखी है तो ये मैं डाल दूंगी कटोरी में और सर्व कर दूंगी। उसके बाद में मैं अपने दूसरे काम ख़त्म करती हूँ, और अब इवनिंग हो चुकी है तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। तो गाइज आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हाँ गाइज अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मैं अब करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, ठीक है? बाय, लव यू ऑल।